तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल में और हमारी नई वीडियो में। तो हम बहुत दिन बाद फिर से वापस आ चुके हैं। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कंसिस्टेंट हो ही नहीं पा रहा यूट्यूब पे, क्या बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे यहाँ पर, वो मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी। पर लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंट होने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ, एक ना एक दिन कंसिस्टेंट हो ही जाऊँगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम जिस कार के बारे में बात करने हैं, किया की सबसे पहली फुल्ली इलेक्ट्रिक कार के बारे में। यस गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट किया EV6 के बारे में। इसका फर्स्ट जनरेशन 2021 में लॉन्च हुआ था, पर इंडिया में अभी आई है। तो इंडिया में इसका 2022 का सेकेंड जैन अभी लॉन्च हो चुका है, हाल ही में 2 जैन को। सॉरी, मेरे ये वीडियो भी लेट आ चुके। तो ठीक है, बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिखे बेल आइकन भी क्लिक करते हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको इसमें जो डोर के जो हैंडल्स देखने मिलेंगे 120-700 ऐसे, जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुई थी और उसका बहुत मार्केटिंग हुई थी। आप देख सकते हैं जब आप ओपन करेंगे तो इसके डोर के जो हैंडल्स है वो ओपन हो जाएगा, सेम 120-700 की तरह आपको देखने मिलेंगे। और इसकी इंटीरियर की बात करें तो सबसे बेहतरीन ईवी कार का अब तक का इंटरफेस जो आप बोल सकते हैं जो इंडिया में लॉन्च हुआ, वो मेरे को ये लगा कि कम रेंज वाला। बाकी और जो लग्जरियस कार्स हैं उनमें और अच्छे इंटीरियर्स हैं, पर ये रेंज में सबसे बेस्ट इंटीरियर आपको ये कार में अवेलेबल मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो ड्राइवर के सीट के आगे, मतलब जो स्टेयरिंग के आगे होता है, उसके आपको 12.3 इंचेस का कर्व्ड ड्राइवर डिस्प्ले स्क्रीन आपको इसमें देखने मिलेगी। साथ ही उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिलेगी, जैसे क्लैरिटी अबाउट रेंज, मतलब सामने वाला कितने रेंज पे है, फोरकास्ट बैटरी चार्ज टाइम आपको मिलेगा, व्हीकल टू लोड स्टेटस एंड मच मोर, मतलब बहुत सारे आपको बैटरी कितनी है, व्हीकल कितना दूर है, नेविगेशन मिलेगा कि आपको राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, मतलब बाजू वाले इसमें देखने की जरूरत भी नहीं है। आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और बहुत सारी जो कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको सामने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाएंगे। और फिर आते हैं हम लोग इसके नीचे की तरफ, जो गियर चेंजिंग मोब होता है, मतलब ऑटो गियर में ही पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, वो वाला मोब होता है। उसमें आपको सबसे पहले मिल जाते हैं कि रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड और ड्राइव मोड में, इसको शिफ्ट बाय वायर बोलते हैं। चेंज गियर पोजिशन सिंपली बाई टर्निंग द डायल ऑफ अ शिफ्ट बाई वायर लेफ्ट और राइट, मतलब जो आपको जो गोल वैसा शिफ्ट मिलता है, जो भी नेक्सॉन ईवी में आपको देखने मिला है वो आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही आपको ऑटो होल्ड कंट्रोल मिल जाएगा, मतलब आपका हैंड ब्रेक हो गया वो ऑटोमेटिक वाला से बटन दबाने से, पार्किंग वाले आपको सेंसर्स मिल जाएंगे, जैसे पार्क दबाने से आपकी गाड़ी एक जगह पर स्थिर हो जाएगी, मतलब एक टाइप का हैंड ब्रेक सिस्टम काम करेगा। साथ ही साथ उसमें आपको नया फीचर्स मिलता है ईवी का आगे लिखा हुआ, मतलब उसमें चार्जिंग पॉइंट, मतलब आपको जब स्टार्ट होता है तो उसमें लाइट ब्लिंक होगी, बंद होगा, जो भी होगा उसमें ईवी लिख के ऑप्शन है उसमें, और एम्बिडेंट लाइटिंग आपको उसमें पूरी कार्स में अवेलेबल होगी। और साथ ही साथ हम लोग सामने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, ये भी आपको 12.3 का कर्व डिस्प्ले LED में बहुत सारे फीचर्स है, आप देख सकते हैं नेविगेशन हो गया, बाकी आप अपना एप्पर कार प्ले हो गया, एंड्रॉयड कार प्ले, मतलब जो भी है बहुत जो कॉमन फीचर्स होते हैं सब लग्जरियस कार में वो फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, फुल्ली ऑटोमेटिक AC आपको मिलेगा, हर एक विंडो सीट के हिसाब से आपको कितना टेम्परेचर किस पे रखना है वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, मतलब हर एक सीट पे आपको AC, अगर आपको राइट साइड के सीट पे AC ऑफ करना है आप कर सकते हो, लेफ्ट साइड में चालू रखना है कर सकते हो, फुल्ली ऑटोमेटिक AC आपको इसमें नीचे मिलेगा, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, और नॉब से आप अपना जो भी AC का सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस वीडियो में आपको सब बताया हुआ है। अभी जी इसका गियर नॉब था, उसके आगे 4-5 बटन आपको और मिलते हैं, वो आपको क्या हम क्लैरिफाई कर देते हैं। ये तो आपको हो गया वेंटिलेशन, मतलब जो आपका गाड़ी गर्म है तो हवा बाहर फेंकने के लिए बंद करने के लिए। आपका फैन मोड हो गया, इसमें 2-3 फैन की स्पीड से आप रख सकते हैं, या लेफ्ट साइड का हो गया, राइट साइड का हो गया, और साथ ही साथ बीच में आपको वेंटिलेटेड सीट्स के लिए एक हो गया और एक वेंटिलेशन टाइप हो गया, मतलब गाड़ी बहुत गर्म हो चुकी है कि आपने धूप में रख दी तो वेंटिलेशन ऑन करके आप जो एक एग्जॉस्ट फैन टाइप का सिस्टम आपको उसमें इसमें आपको मेरिडियन के जो स्पीकर्स मिलते हैं, 14 स्पीकर्स आपको इसमें मेरिडियन के मिल जाते हैं, सबसे मेरिडियन एंड प्रीमियम साउंड सिस्टम्स विद 14 स्पीकर्स आपको इसमें मिलते हैं। और साथ ही साथ इसका जो नॉब कंट्रोल था उसके नीचे आपको छोटा सा स्पेस मिल जाता है, आप छोटे मोटे बैग और सिस्टम्स वहाँ पर रख सकते हैं। और इसमें बाकी जो 3-4 कलर्स है वो जैसे आपको वीडियो में दिख रहे हैं वो कलर्स इसमें आपको इंटीरियर्स के अंदर में अवेलेबल मिलेंगे। एम्बिडेंट लाइटिंग जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है रात में, और आपको इधर आर्म रेस्ट में मिल जाएगा जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और जो आपके जो इसमें एक नया आया है जिसमें आपको सीट्स के बाजू में भी एक लाइट सा कुछ देखने मिल जाता है, देख सकते आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें इन्होंने एक वाइट कलर भी करवाया और एक लाइट फॉर्म सिस्टम वाला भी कराया, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है आपको साथ ही साथ जो आपको दिख रहा है।
और दूसरे फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें रिमोट फोल्डिंग 60x40 स्प्लिट्स रियर सीट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। इसका मतलब जो पीछे की तो दो सीट्स होती है आप उसको फुल्ली ऑटोमेटिकली फोल्ड कर सकते हैं एक बटन के थ्रू, तो वो फोल्ड होने के बाद आपकी जो ऑल एक्स्ट्रा लगेज है वो आप उसमें रख सकते हैं। साथ ही आपको इसमें बिल्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको इसमें मिल जाता है, जो सनरूफ आप देखते हैं वो इलेक्ट्रिक सनरूफ विंड, और आपको साथ ही इसमें कनेक्टेड LED टेल लैंप्स विद सिक्वेंटल इंडिकेटर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, और बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर फ्लैश डोर्स हैंडल्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और इसके टायर की बात की जाए तो R19 48.74 सेंटीमीटर का आपको उसका टायर डायमेंशन मिल जाता है, और अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाते हैं, क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स आपको इसमें अवेलेबल मिल जाता है। और हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको ड्यूअल LED हेडलैम्प्स विद एडेप्टेटिव ड्राइविंग बीम आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। ये सारे जो फीचर्स है वो आपको देखने मिल जाते हैं, जो नए नए एडवांस फीचर्स है जो मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। तो और एक और फीचर आपको इसमें देखने मिल जाता है जो कार के स्टेयरिंग के सामने लगा हुआ होता है, जैसे कि आपको आप कार के स्टेयरिंग के सामने जो बलेनो देखे होंगे उसमें आपको छोटा सा स्क्रीन निकलता है। इसमें ऐसा नहीं, आपको जो विंड शील्ड होती है जो सामने वाली उसी के ऊपर आपको वो जो डायमेंशन देखने मिलेगा, आपकी गाड़ी की स्पीड देखने मिलेगी, आपकी गाड़ी को लेफ्ट जाना राइट जाना है वो आपको उसी में देखने मिल जाएगा। और इसमें आपको रियर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और इसके स्टेयरिंग के पीछे एक ड्राइव मोड करके बटन है, उसमें आप अलग अलग ड्राइव मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इको ड्राइव मोड्स हो गया, और ये कार फुल्ली एरोडायनामिक है। और इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें 528 किलोमीटर का लॉन्ग ड्राइविंग रेंज आपको इसमें देखने मिल जाता है, मतलब एक चार्जिंग के बाद आपकी कार 528 किलोमीटर चल जाएगी। और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने मिलता है, 10-80% का चार्जिंग 80 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर परफेक्ट चार्जिंग स्टेशन पे आप चार्ज करते हैं तो। और साथ ही साथ इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 0-100 किलोमीटर आप मात्र 5.2 सेकंड में आपको कार ली जाएगी, मतलब इसकी स्पीड भी बहुत ऑसम आपको इस कार में अवेलेबल देखने मिल जाती है। कार के प्राइस रेंज की बात करें तो इसमें आपको दो मॉडल अवेलेबल मिल जाएंगे, GT9 एक मिल जाएगा, GT9 AWD ऑल व्हील ड्राइव, और GT9 की बात करें तो आपको 60 लाख एक शोरूम प्राइस आपको उसमें मिल जाएगा, और GT9 AWD की बात करें तो 65 लाख एक शोरूम प्राइस आपको उसमें मिल जाएगा। तो बाकी ऑन रोड प्राइस आपके स्टेट के वाइज वेरी करता है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर देना, और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहना। अगली वीडियो आने वाली इस कॉल पर 2022 पे जो आने वाले 7-8 दिन में लॉन्च होने वाली। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, सी यू, टाटा।